हेलो एवरीवन। और आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं एल्डोल और क्रॉस एल्डोल को किस तरह से सिंपल और शॉर्टली सोल्व किया जा सके। तो मैं आपको यहाँ दो एग्जांपल दूंगा, एक एक एल्डोल का और दूसरा क्रॉस एल्डोल का। चलिए इजीली कैसे सोल्व करें। तो सपोज हम लोगों को यहाँ पर क्या दे दिया गया, सपोज हम लोगों को एक कीटोन का यूनिट दिया और कीटोन के यूनिट के सामने एरो पे लिखा है OH-। तो इसको देख के आपको तुरंत पहचान जाना है बेसिक मीडियम है और एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया है जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या परफॉर्म होने वाला है, एल्डोल परफॉर्म होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। अब आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब इसके आगे एग्जामिनर को ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये दो यूनिट होंगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो इसकी एक यूनिट तो मैं ये मान लेता हूँ और दूसरी यूनिट ये रही। वैसे अगली बार में दिखाने की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी आप देखिए दो यूनिट्स हैं। तो चलिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट यूनिट है उसको एज इट इज बना दीजिए। आप ये लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एक यूनिट को मैंने एज इट इज बना दिया, एज इट इज बना दिया। उसके बाद आपको अल्फा कार्बन को डिसाइड करना है। अब देखिए सिमेट्रिकल है तो अल्फा चाहे यहाँ डिसाइड करूँ चाहे मैं यहाँ डिसाइड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया कि मेरे ये अल्फा कार्बन है। आप यहाँ से एक बॉन्ड को फॉर्म कीजिए, ये मैंने एक बॉन्ड फॉर्म किया। ऑब्वियसली अल्फा कार्बन के पास में कौन सा कार्बन होगा, बीटा, इजंट इट? बिल्कुल सही है। अब बीटा कार्बन पे क्या होता है, आप पहले गो थ्रू कीजिए मैकेनिज्म को, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर बीटा कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसके लिए आप पिछली वीडियो को देखिए, आपको इजिली मालूम पड़ जाएगा। तो बीटा पोजिशन पे मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब ये बीटा कार्बन है कौन सा बेसिकली, तो जरा ध्यान से देखिए। अब ये पहला यूनिट लिया और ये मेरा दूसरा यूनिट है। पहले यूनिट में अल्फा कार्बन वो ये रहा, ये अल्फा था मेरे लिए। दूसरे यूनिट में बीटा कार्बन होता है जिससे कार्बन ग्रुप जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बीटा कार्बन हो गया। तो अब बीटा कार्बन से कार्बन ग्रुप जुड़ा हो, ये बीटा कार्बन जो है उससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था जिसको तो आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, OH के अंदर। अब बाकी जो मिथाइल ग्रुप है उनको भी तो आपको लगाना है ना, तो ये दोनों ग्रुप आपको यहाँ शो करने पड़ेंगे कि यहाँ साथ में दो मिथाइल ग्रुप भी है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। चलिए अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि ये OH- है और साथ में हीट का सिंबल भी दिया है, तो यहाँ पर तो बना आपके पास एल्डोल या कीटोल, इजन इट? क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है। लेकिन हीटिंग के बाद क्या होगा, अगर आप हीटिंग का सिंबल देखते हैं तो अल्फा और बीटा पोजीशन से तुरंत आपको पानी बाहर निकाल देना है। कैसे, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होएगा, बिल्कुल होगा, और बीटा पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां से आपको पानी रिमूव करना है और यहाँ से डबल बॉन्ड को फॉर्म करना है। तो चलिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये, मैंने कीटोन ग्रुप पहले से ही दिखा रखा था। फाइनली ये अल्फा पोजीशन थी मेरी और ये बीटा पोजीशन थी मेरी, सही है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पानी रिमूव करने के बाद डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप। इस तरह से आपको आंसर निकाल लेना है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड। अब हम मिक्स्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमसे पूछा गया कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हुआ, कीटोन, और दूसरा एग्जाम्पल सपोज हमको किसी का भी दे दिया, सपोज हमको एल्डिहाइड का दे दिया है, एसिड एल्डिहाइड का ले लेते हैं। तो ये एसिड एल्डिहाइड आपको दे दिया, तो यहाँ पर एच दिख रहा है आप लोगों को। तो एक तो हमारे पास कीटोन और दूसरा हमारे पास है एसिड एल्डिहाइड। तो अब कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप जरा लास्ट वीडियो देखिए। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कैसे काम करता है, बीटा कार्बन के जैसे। तो देखिए इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ऑब्वियसली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये इसका जो कार्बन ग्रुप का जो कार्बन होगा वो कैसे काम करेगा, बीटा कार्बन के जैसे। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कीटोन इस केस में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। तो यहां से आपको अल्फा कार्बन को चूज करना है, सिमेट्रिकल है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से भी चूज कर लीजिए। सपोज ये अल्फा है तो इसको तो बनाना है आपको एज इट इज, एज इट इज ये तो क्या करने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन को देने वाला है, और ये बन गया तुम्हारा बीटा ग्रुप। सो ये बीटा हुआ। अब बीटा पे आपको क्या करना है, उसके ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देना है OH पे। अब आप जरा ध्यान से देखिए इस बीटा कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ, उसको साथ में जोड़ दीजिए। एक तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो मिथाइल ग्रुप का आप शो कर दीजिए, हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका बन गया जब यहाँ पर एरो पे क्या लिखा हो, OH-। बट अगर एरो पर OH- के अलावा
हीटिंग भी लिखी हो तो आपको क्या करना है, ये आपका अल्फा कार्बन था, वो आपका बीटा कार्बन है, तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, पानी को रिमूव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से पानी बाहर निकाल देंगे तो वहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इजीली आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर एक आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, उसके बाद आपको सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप दिखाना है। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट इन इन क्रोस एल्डोल। तो गाइस ये बहुत आसान है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, फिर से देखिए ये सिंपल ट्रिक्स हैं। पहले तो आपको उस यूनिट को जो अल्फा हाइड्रोजन देने वाली है उसको एज इट इज बना देना है, फिर वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको एक बॉन्ड बनाना है जिससे आपको बीटा कार्बन से अटैच करना है। अब ये बीटा कार्बन पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप चिपका देना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और फिर ये बीटा कार्बन वही है, देखिए जो आपका जो ग्रुप था उसमें बीटा कार्बन वही है जो कार्बनिक ग्रुप का जो कार्बन है, तो उसके साथ जो ग्रुप है वो आपको देखने हैं और वो आपको यहाँ पर लगा देने हैं। ये देखिए इसी तरह से क्रोस एल्डोल में क्या करना है, आपको रिएक्टिविटी चेक करनी है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो कैसे काम करेगा, बीटा कार्बन के जैसे, उसका कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन बीटा कार्बन के जैसे काम करेगा। सो ये इसका जो कार्बन है वो बीटा कार्बन के जैसे काम कर रहा है, बहुत सिंपल है। तो जो एल्फा की तरह काम करे उसको तो आपको एज इट इज बना देना है, फिर उसके बाद अल्फा कार्बन को डिसाइड कर लेना है, फिर आपको एक सिंगल बॉन्ड खींचना है, फिर बीटा पोजीशन पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है, और फिर आपको चेक करना है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ और क्या क्या चीजें अटैच है जिसने बीटा कार्बन की तरह काम किया है। तो एक मिथाइल ग्रुप था और एक हाइड्रोजन ग्रुप था, तो हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मिथाइल ग्रुप को दिखा दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर हीट का सिंबल लगा हुआ है तो आपको पानी रिमूव कर देना है और डबल बॉन्ड शो कर देना है। ये सिंपल सी ट्रिक है गाइस, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और फिर से इसको देखिए, ये बहुत आसान है जो आपकी इक्वेशन को आसान बना देगी। प्रैक्टिस के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, पर प्लीज इसको ध्यान से इसको देखिए। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।